हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई रियली होप आप सारे लोग बहुत अच्छे हैं। आज डे 9 ऑफ 30-day चैलेंज है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारा टारगेट है कि अब जितने भी दिन बचे हैं उसमें 5,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। सो प्लीज़ करवा दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी कर लेना, क्योंकि अब मैंने वहाँ पे UVTS जो है उसका 2025 का प्लानर वहाँ पे अपलोड कर रखा है। तो जो बाकी के टेस्ट पेपर है ना वो भी वहाँ पे हम अपलोड कर देंगे। UVTS का मतलब होता है यूनिट बायोलॉजी टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो इसमें ना पूरी एक यूनिट होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लांट डाइवर्सिटी है, ठीक है, तो उसमें 4 चैप्टर है ना, तो वो सारे चारों चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे NCERT से, और उसमें 200 क्वेश्चन होंगे जो बिल्कुल NCERT से ही होंगे, एक एक क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं फ्री में बता रही हूँ, स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो अब आगे का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, ओके। सो गाइज, मैं लाइब्रेरी पहुंची 9:25 के समथिंग। उसके बाद मैंने अपना टू डू लिस्ट बनाया। पहले सोचा था कि इसमें स्टिकी नोट में बनाएंगे, फिर उसके बाद मैंने इसमें लिखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने दूसरा यूज़ कर रखा था, तो सोचा चलो इसी में लिखते हैं, ठीक है। और आज का टू डू लिस्ट, भाई साहब आज तो बहुत ज़्यादा कुछ करना है, ठीक है। सो बताते हैं, इकोसिस्टम का 1 शॉट लगाना है, NCERT रीड करनी है इसकी, हाफ काइनेमेटिक्स की एक्सरसाइज 2, आयनिक के नोट्स करने हैं, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, UVTS करना है, रोटेशन के 2 लेक्चर देखने हैं, लेक्चर 4 और 5, पी व्लॉग अगर टाइम मिला उसकी, NCERT भी, ठीक है। और स्लॉट यहाँ पे आप लोग देख लो, 10:30 से 11:30, 2, बाकी आप सारे देख लो, ठीक है। अब स्टार्टिंग करने जा रही हूँ मैं बायोलॉजी से, एज यूजुअल से हमेशा करती हूँ, ठीक है। सामने मैंने लगा रखे हैं लेक्चर मैम के, रितु मैम के, क्योंकि इनके 1 शॉट देखने से पूरी NCERT एकदम ऐसा लगता है मक्खन जैसी हो गई है, तो बस पढ़ते हैं तो फट ऐसे हो जाता है, ठीक है। क्योंकि 10-10 घंटे 12-12 घंटे लेक्चर लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा, और ऊपर से बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं। तो हमारा तो मेन मोटिव ये होना चाहिए कि बस हमारी कैसे भी NCERT कवर होनी चाहिए, ठीक है। तो 1.5 घंटे की ये लेक्चर है, सो स्टार्ट कर देते हैं हम, देखना उसके बाद आपसे मिलते हैं। और यहाँ पे मेरा ये पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कुछ 1.5 घंटे के समथिंग का था, और ये टाइम आप लोग देख लो, 11 बजने वाले हैं। फिर मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं, NCERT को रीड करना स्टार्ट करते हैं, पहले ओवरऑल पेजेस देख लेते हैं कि कितने हैं। तो यहाँ पे मैंने जब पेज देखे तो 8 पेज हैं, ठीक है। तो उसमें से आज मुझे 4 पेज ही अच्छे से कम्प्लीट करने हैं, ठीक है। सो यहाँ इसे स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ तक कम्प्लीट करना है। तो आज का टारगेट मैंने लिख लिया है, इसमें लिख लिया है कि हाँ यहाँ तक मेरे को कंप्लीट करना है। सो यहाँ इसे रिवाइज कर लेते हैं, तब आपसे मिलते हैं, ठीक है। एंड फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या करना है वो बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करने वाली हूँ मैं काइनेमेटिक्स का एक्सरसाइज 2, डायरेक्ट ही स्टार्ट करूँगी। और यहाँ पे मेरा 1 स्लॉट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इसे कर देते हैं बंद, अब उठा लेते हैं दूसरा स्लॉट के लिए बुक, ठीक है। तो भाई मैं उठाते वक्त तो लो गिर गई। खैर कोई नहीं, ये गलतियाँ तो होती रहती हैं। सो मैंने उसे उठा के रखा, और अब मैं करने जा रही हूँ मॉड्यूल सॉल्व, ठीक है। डायरेक्ट मैं काइनेमेटिक्स का एक्सरसाइज 2 सॉल्व करूँगी, दैट इज़ PYQ, ठीक है। सो इसे स्टार्ट कर देते, और कल थ्योरी वाला पार्ट पढ़ लिया था तो आज ऐसा कुछ रिवाइज नहीं करना है, बस डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो इसे कंप्लीट करने के बाद आपसे मिलते हैं, अभी जो टाइम हो रहा है वो 12:30, ओके। सो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हो चुका है। काइनेमेटिक्स की एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर ली है, ठीक है। और स्लॉट 2 भी कंप्लीट हो चुका है, 11:30 से 1:30 था, ठीक है। अब स्लॉट 3 करेंगे, और यहाँ पे आयनिक के नोट्स पहले रिवाइज करेंगे हाफ चैप्टर, ठीक है। और मैंने स्टार्टिंग कर दी है नोट्स को रिवाइज करने से, ठीक है। और फिर उसके बाद इसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। सो यहाँ इसे स्टार्ट कर देते हैं, और आज का जो टारगेट है वो भी बता देते कि मेरे को कितना रिवाइज करना है। वेट ये कहाँ तक करना है मेरे को, हाँ यहाँ तक मैं ऐसा करती हूँ, कर लेती हूँ इसे कंप्लीट, और जो कल जो बचा हुआ पोर्शन है वो उसे कल कर लेंगे, ठीक है।
एंड नोट्स को तो मैंने रिवाइज कर लिया था, अब मैं शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करने जा रही हूँ। और यहाँ पे भाई कैमरे ने गलती कर दी, चलो कोई नहीं, तो अब इस पर टिक लगा दिया। अब शॉर्ट नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। एंड सेकेंड नहीं, थर्ड स्लॉट हमारा नहीं हुआ है कम्प्लीट अभी, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने सारे शॉर्ट नोट्स को बना लिया, ठीक है। और इस मक्खी को मैं भगा रही क्योंकि मैंने एक ही पेज में जितना मैंने नोट्स को रिवाइज़ किया था बस उतना ही मैंने इसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए। बहुत अच्छे से बनाया, फालतू का कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा है, क्योंकि अब इसमें वैल्यू वगैरह तो याद करनी ही पड़ेगी, डेट्स वाई मतलब इतना तो लिखना ही पड़ेगा। और ये करते करते 3:30 बज गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इसको किया बंद। अब मैं जा रही हूँ 200 क्वेश्चन सॉल्व करने UVTS के बायोलॉजी में, वो भी इकोलॉजी वाली यूनिट के। तो चलो इसे बंद कर देते हैं और एंड स्टार्ट करते हैं UVTS देना, ठीक है। और अगर आप लोगों को भी UVTS के क्वेश्चन सॉल्व वगैरह करने हैं, ठीक है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो आप भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। और ये रहे इसके 200 क्वेश्चन सारे, आप लोग यहाँ पे देख लो, बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन डिज़ाइन किए गए हैं NCERT से। तो इसे करने के बाद NCERT अच्छे से प्रिपेयर हो जाती है। उसके बाद मैंने कुछ भी सूट वगैरह नहीं किया था और हमारे यहाँ लाइट चली गई, तो फिर हम उसके बाद घर पे आ गए, मैं और मेरी दोस्त, ठीक है। और फिर मैंने घर पे आके ब्लॉग बनाया और पढ़ाई करी। एंड आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई रियली होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है। चलो ओके, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।